हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास टॉपिक है सुपरलेटिव डिग्री, तो एडजेक्टिव का। तो पहले तो मैं जो हमेशा ही बोलता हूँ कि इंग्लिश को समझा करो, ठीक है ना। समझोगे नहीं समझोगे नहीं तो तुक्केबाजी होगी एग्ज़ाम में, जो अब तक करते आए हो और जो मैंने भी किया था, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि पहले मैंने भी तुक्केबाजी की थी, पर अब जैसे मैंने इंग्लिश समझी पिछले दो सालों में, एक दो सालों में, तो उसके बाद मेरे जो इंग्लिश का लेवल है वो काफ़ी अच्छा हो गया। ग्रामर तो हो गई, उसके साथ रीडिंग भी करनी है तभी अच्छा होगा, ठीक है ना। तो अपनी इंग्लिश अच्छी करने के लिए आपको ग्रामर पे पकड़ तो बनानी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर उसमें इंग्लिश आती हो तो। ठीक, तो यही था, ठीक है। अब हम आज हमारा टॉपिक है सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है ना। अगर हम एडजेक्टिव को डिग्री के उसमें बांटें, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन अगर डिग्री में करें, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू डिग्री करें, तो हमारे पास एक आता है नॉन ग्रेडेबल, एक आता है ग्रेडेबल, ठीक है ना। ग्रेडेबल जिसकी डिग्री बढ़ा सकते हैं, नॉन ग्रेडेबल जिसकी डिग्री नहीं बढ़ा सकते। नॉन ग्रेडेबल जैसे हो गया हमारे पास सर्किल, सर्किल जो है सर्किल है, मोर सर्किल मोर सर्किल कुछ नहीं होता है, सर्किल सर्किल ही होता है, ठीक है ना। और स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर स्क्वायर ही होता है, मोर मोस्ट स्क्वायर कुछ नहीं होता, डिग्री नहीं बढ़ाई जा सकती है। जैसे परफेक्ट हो गया कोई, तो परफेक्ट हो गया ना, उससे ज़्यादा क्या हो सकता है। यूनिक हो गया तो यूनिक यूनिक है, उससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। अलग ये हो यूनिक, तो वो तो नॉन ग्रेडेबल हो गए, ठीक है ना। ये आगे पढ़ेंगे हम, अभी पहले हम ग्रेडेबल पाते हैं। ग्रेडेबल में होता है सुपरलेटिव डिग्री, दूसरे होते कॉम्पिटेटिव डिग्री, और तीसरा होता है पॉजिटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, जब बहुत सारों में एक की बात की जाए, कंपैरिजन, जब एक का बहुत सारों के साथ कंपैरिजन हो, वो होता है सुपरलेटिव डिग्री। उसके बाद होता है कॉम्पिटेटिव डिग्री, जब दो में कंपैरिजन किया जाए। उसके बाद होता है पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री होता है सिंपल सेंटेंस, उसमें एडजेक्टिव आते हैं, ग्रेडेबल होते हैं जो एडजेक्टिव। सिंपल सेंटेंस जो ये पॉजिटिव डिग्री होता है ना, उसमें भी कंपैरिजन होता है, पर वो आगे देखेंगे कैसे कंपैरिजन होता है, ठीक है। तो ये तो पहले हम देख लेंगे, इतना बेसिक ये पढ़ लेंगे एडजेक्टिव में। उसके बाद हम देखेंगे इन तीनों में क्या है, समानताएँ क्या है, क्या जो सुपरलेटिव है उसको चेंज कर सकते हैं कंपैरिजन में, या जो कंपैरिजन है उसको सुपरलेटिव में या पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं, तो हम तब देखेंगे, ठीक है ना, जो आता भी एग्ज़ाम में, ठीक है ना। अब हम ठीक है यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले सेंटेंस है, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री का। अमित सब्जेक्ट है, इज़ द टॉलेस्ट एंड मोर वाइजर स्टूडेंट, इज़ लिंकिंग वर्ब है। अब ये लिंकिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब इसलिए नहीं है क्योंकि इसके बाद मेन वर्ब नहीं है, तो ये लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। तो लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है, या तो नाउन बता रखा है मैंने, ठीक है, पहले बता रखा है, या तो नाउन आता है, या तो एडजेक्टिव आता है, या प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आता है, तब भी तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना। इज़ द स्टूडेंट एंड मोर वाइजर स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और ये एक नाउन है, ठीक है ना, ये एक नाउन है, ठीक है। और ये क्या है, द टॉलेस्ट एंड मोर वाइजर, ये इसका एडजेक्टिव है, ठीक है ना। इन आवर क्लास, ठीक है ना, इन आवर क्लास, तो इन आवर क्लास मतलब ये बहुत सारे में एक की बात की है, तो सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं टॉलेस्ट, ठीक है, सुपरलेटिव में टॉलेस्ट तो लिखते हैं, एंड मोर वाइजर, मोर वाइजर क्या हुआ, पहले तो गलती ये है कि मोर वाइजर कुछ भी नहीं होता, वैसे वाइजर होता है, कंपैरेटिव डिग्री वाइज की वाइजर होता है, मोर वाइजर नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे इंटेलिजेंट का कंपैरेटिव डिग्री मोर इंटेलिजेंट होता है, वैसे वाइज का वाइजर होता है, ना कि मोर वाइजर होता है, ठीक है। तो पहले तो ये मोर वाइजर ये तो होगा नहीं, मोर तो होगा नहीं पहले। और दूसरा है कि ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री में है, ठीक है ना, ये टॉलेस्ट, ठीक है, यहाँ पे तो ये वाइजेस्ट होगा, सुपरलेटिव डिग्री में जाएगा वाइजेस्ट। आगे हो गया आपकी समझ में, इन आवर क्लास, इन आवर क्लास ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशनल का ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। प्रीपोजिशन प्लस प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट मैंने हमेशा बताया, या तो एडवर्ब फ्रेज होती है या तो एडजेक्टिव फ्रेज होती है। यहाँ पे कौन सी फ्रेज है देखना जरा, इन आवर क्लास, ये स्टूडेंट को कर रहा है ना मॉडिफाई, ठीक है ना, तो ये कौन सी फ्रेज होगी, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है ना। आइए अवर, तो इसका क्या है, पॉजिटिव केस है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है अवर, ठीक है ना। आगे होगा समझ में,
अगले सेंटेंस में जाते हैं, ठीक है ना। ही इज मोर पावरफुल, सब्जेक्ट है ही इज मोर पावरफुल, मेन वर्ब तो है नहीं इसलिए लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। अब एक चीज़ ध्यान देना, कभी कभी ये स्टूडेंट लिखा नहीं रहता है तो ये अंडरस्टूड होता है, जैसे यहाँ पे भी स्टूडेंट लिखा है इज मोर पावरफुल स्टूडेंट, कभी ये लिखा नहीं रहता है, वो अंडरस्टूड होता है, ठीक है ना बात। अब ही इज मोर पावरफुल स्टूडेंट, तो लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जैसे ऊपर बताया था, ठीक है ना। नाउन आएगा, एडजेक्टिव होगा या तो प्रोनाउन का सब्जेक्ट के, इज मोर पावरफुल स्टूडेंट, हाँ तो स्टूडेंट इसका क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है जो कि एक नाउन है, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, मोर पावरफुल ये तो सुपरलेटिव डिग्री, ये कंपरेटिव डिग्री में लग रहा है, ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, अरे नहीं ये गलत है, यहाँ पे पहले यहीं पे कर लेते हैं प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है जो कि स्टूडेंट और एक एडजेक्टिव फ्रेज बना रहा है, ठीक है ना। ये ऑल इसका एडजेक्टिव है, ठीक है, ये पूरी पूरी का एडजेक्टिव फ्रेज बना रहे स्टूडेंट के लिए, यहाँ पे तो सही है, पर ये सुपरलेटिव डिग्री में है ना, तो इसको इसलिए क्या मोस्ट पावरफुल होगा, क्या होगा मोस्ट, इसको हटाइए, हटेगा यहाँ से, यहाँ इसकी जगह पे क्या आएगा मोस्ट पावरफुल, ठीक है ना। कई जगह पे पावरफुलेस्ट भी लिखा रहता है, ठीक, तो देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है ना। कहीं पे मोस्ट मोर क्या, कहीं पे इसकी तीन डिग्रियाँ ये रहती है, पावरफुल मोर पावरफुल मोस्ट पावरफुल, कहीं ये लिखा रहता है पावरफुल पावरफुलर पावरफुलेस्ट, ठीक है ना, तो वो देख लेना जिस हिसाब से होगा, ठीक है ना। अगर पावरफुलर लिखा होगा पावरफुलर, तो अगर आपको सुपरलेटिव में बनाना है तो पावरफुलर गलत हो जाएगा, पावरफुलेस्ट होगा, ठीक है ना। अगर मोर पावरफुल लिखा है तो मोर को हटाएंगे, मोस्ट होगा, आगे बात समझ में, तो ये दो सेंटेंस अच्छे से आ गए होंगे समझ में। अगला सेंटेंस है, रितांशु इज द वाइजेस्ट एंड क्लेवरेस्ट लीडर, ठीक है। रितांशु सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब नहीं है, लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, जो मैं ऊपर दोनों सेंटेंस बता चुका हूँ, तो लीडर, ठीक है ना, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो कि नाउन है, यहाँ पे एडजेक्टिव भी हो सकता था या प्रोनाउन का सब्जेक्ट केस भी हो सकता था, ठीक है। और ये इसका एडजेक्टिव है इस, ये लीडर का, ठीक है ना। तो अब पहले हम देखते हैं किस डिग्री में, ये तो वैसे सुपरलेटिव डिग्री में लग रहा है, ठीक है ना, लीडर, तो यहाँ से हम देखते हैं, तो ये दी इसके लिए आया है, ये दी किसके लिए आया है, ठीक है ना, तो दो तो आ नहीं सकते क्योंकि एक जब नाउन एक है तो ये दी भी एक ही होना चाहिए ना, ठीक है ना, तो ये स्टार्टिंग में लगता है, ठीक है ना। बाकी ये तो सुपरलेटिव में दिख लग रहे हैं, देखते हैं कि कंपैरिजन किससे हुआ है, एक ही से हुआ है कि किसी पूरे से, ठीक है ना, ग्रुप से, लीडर्स ऑफ ऑल द कॉलेज लीडर्स, सही है, सुपरलेटिव डिग्री में सही है, ये तो हटाएंगे बस, हमारी गलती तो यहीं पे मिल गई थी, बाकी मैं बता रहा हूँ कि एरर कैसे खोजना है, ठीक है ना। तो लीडर फ्री प्रीपोजिशन है, अरे प्रीपोजिशनल, ये क्या है इसका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब बाकी ये इसके क्या है एडजेक्टिव है, ठीक है ना, ये भी इसका एडजेक्टिव है और ये ऑल भी इसका एडजेक्टिव है, या ऑल डिटरमाइनर भी बोलते हैं, ठीक है ना, ऑल को, ठीक है ना, ऑलमोस्ट सम, ठीक है ना। तो अभी तो खैर इतना ही सीखो, बाद में देख लेंगे, ठीक है ना। तो एडजेक्टिव भी सोच लो अभी के एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है लीडर का, ठीक है ना। और ये पूरी मिलके एक फ्रेज बना रही है जो इस लीडर को मॉडिफाई कर रही है, एडजेक्टिव फ्रेज है पूरी, ठीक है ना। कोई भी क्लॉज होगा, कोई भी फ्रेज होगा, ठीक है ना, वो कोई किसी ना किसी पार्ट ऑफ स्पीच का काम कर रहा होगा उस सेंटेंस में, कोई भी क्लॉज या तो फ्रेज, ठीक है ना। आगे बात समझ में, क्लॉज या फ्रेज क्या होती है वो मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा क्लॉज या फ्रेज की भी, आगे होगा समझ में, ठीक है। अगला सेंटेंस है, विच इज़ द ईजियर, ठीक है ना, ये सब्जेक्ट विच सब्जेक्ट का काम भी करता है, ठीक है ना, जब क्या नॉन लिविंग हो या एनिमल्स हो, ठीक है। विच इज़ लिंकिंग वर्ब है, ठीक है ना, ईजियर, ठीक है, एडजेक्टिव हो सकता है, तो ये क्या है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है जो एक एडजेक्टिव है, ठीक है ना। अब देखते हैं कि यहाँ पे ईजियर ही होना चाहिए कि कुछ और होना चाहिए, ठीक है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स ये तो तीन की बात है, तो ईजियर जब दो की बात, दो का कंपेरिजन हो ना, तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, ईजीएस्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए,
ईजीएस्ट, यहाँ पे जगह नहीं है लिखने की, ठीक है, ईजीएस्ट, ठीक है ना, आप लिख लेना, ठीक है, जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसको नोट कर लिया करो, ठीक है ना, ये काम आएगा, या तो दोबारा से देख लिया करो, और कुछ कोई सेंटेंस समझ में नहीं आता है रिवर्स करके देखा करो, क्योंकि पूरी प्योरली मैं समझा लेता हूँ, ठीक। अगला सेंटेंस है, फिजिक्स इज द मोस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट है, लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि इसके बाद मेन वर्ब नहीं है, ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए, इज द मोस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है जो कि एक नाउन है, ठीक है ना, ये इसका एडजेक्टिव है, ठीक है ना, तो द मोस्ट टफेस्ट, जब यहाँ पे पढ़ेंगे हम, द मोस्ट टफेस्ट क्या होता है, मोस्ट टफेस्ट तो कुछ तो होता नहीं है, पहले तो ये मोस्ट हट जाना चाहिए, क्योंकि या तो टफ होगा, ठीक है ना, टफर, टफेस्ट, ठीक है ना, ऐसे होता है ना, तो मोस्ट तो हटेगा नहीं, क्योंकि इसकी अपनी डिग्रीज की फॉर्म है, ठीक है ना, अब देखते हैं ये कौन सी डिग्री होनी चाहिए, सुपरलेटिव, पॉजिटिव या कंपेरेटिव, ठीक है ना, टफेस्ट सब्जेक्ट इन आवर सिलेबस, ठीक है, बहुत सारों में एक ही बात की गई है, तो ठीक है, ये प्रीपोजिशन है, ठीक है ना, और ये यहाँ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये सिलेबस का एडजेक्टिव है, और ये इन आवर सिलेबस एक एडजेक्टिव फ्रेज बना रहा है, जो ये सब्जेक्ट को, इस सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है, आगे होगा समझ में, ठीक है। सेंटेंस है, सी इज मोस्ट वाइज पर्सन इन योर कॉलोनी, ठीक है ना, सी सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब है, मोस्ट वाइज, पहले तो मोस्ट वाइज कुछ नहीं होता, ठीक है ना, वाइज की जो डिग्री है वो क्या होती है, सुपरलेटिव में वाइजेस्ट होती है, ठीक है ना, गलती तो यहाँ है, ठीक है ना, एरर, फिर भी आगे देखते हैं, लिंकिंग वर्ब तो वही, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इसका क्या होगा, ये होगा, ठीक है ना, और अब देखते हैं सुपरलेटिव है कौन सी डिग्री है, ठीक है ना, इन योर कॉलोनी, हाँ तो इन योर कॉलोनी ना, बहुत सारों कॉलोनी में बहुत होंगे, ठीक है ना, तो इसलिए प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक, और सुपरलेटिव डिग्री है तो ये इसका एडजेक्टिव है, ठीक है ना, तो यहाँ पे मोस्ट, ये तो गलत हो गया, मोस्ट तो वैसे भी लगना था नहीं, और यहाँ पे क्या होगा, वाइजेस्ट, ठीक। अगला है, अगला सेंटेंस देखते हैं, अखिलेश सब्जेक्ट इज ए मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, और एक चीज़ और, यहाँ पे द लगाना भूल गए, द, ठीक है ना, सुपरलेटिव डिग्री में द लगाते हैं, क्योंकि वो यूनिक बना देते हैं ना उस पर्सन को बहुत सारों में, तो इस पर्सन के लिए ये दे लगाना था, ठीक। अलग देखते हैं, अखिलेश इज अ मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि मेन वर्ब तो है नहीं, इसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है जो कि एक नाउन है, ठीक है, और मैं एक 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 वर्ड इसलिए बता रहा हूँ आपको, ये जब आप आगे करोगे ना, जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है, ठीक है ना, कई बार क्या होता है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में जो होना चाहिए होता ही नहीं है, कई बार एडवर्ब होता है जो कि होना नहीं चाहिए, तो गलती वहाँ पकड़ी जाती है, बहुत कुछ होती है, अभी तो आप आगे देखोगे, ठीक है ना, जैसे जैसे चलोगे मेरे साथ आगे तो पता चलेगा क्या क्या होता है इंग्लिश में। अखिलेश इज अ मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है, बॉय तो इसके लिए एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, अब मोस्ट इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट ठीक है, मोस्ट भी ठीक है, ठीक है ना, ए, हाँ ए ठीक है, ठीक है, ये क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है, ये क्या है, इसका एडजेक्टिव बन रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, अब देखो ये किसी किसी के साथ इसको कंपैरिजन नहीं किया गया ना, केवल इसके बारे में बोला गया कि ये इज मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है ना, समझ गए, तो मोस्ट का मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, यहाँ पे एक अखिलेश एक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट वो है, क्या है, लड़का है, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक क्या होगा, ए लगेगा यहाँ पे, द नहीं लगेगा, क्योंकि इसको यूनिक नहीं किया गया है बहुत सारों में, बस इसकी इसकी क्वालिटी बताई गई है कि क्या इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है ना, इसकी क्वालिटी बताई गई है इसकी, अखिलेश की, ठीक है ना। अगला देखते हैं, अखिलेश इज द शॉर्टेस्ट स्टूडेंट, ठीक है ना, अखिलेश सब्जेक्ट है, लिंकिंग वर्ब है, ठीक है ना, शॉर्टेस्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना, शॉर्टेस्ट,
ये शॉर्टेस्ट नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ क्या हो, ये डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, इसको कंपैरिजन करना पड़ेगा अगर आपने ऐसा लिखा है तो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ये एडजेक्टिव बन जाते हैं इसके, ओ सॉरी, ये तो एडवर्ब बन जाते हैं, ठीक है ना, एडजेक्टिव एडवर्ब, ठीक है ना। तो ये तो एडवर्ब बन गया था यहाँ पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये तो डिग्री है, वो भी किसमें, सुपरलेटिव डिग्री में है, तो ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे गलत है, ठीक है ना, इसलिए, ठीक है ना, या तो ऐसा लिखना पड़ेगा, अखिलेश इज अ शॉर्ट स्टैंड। आगे बात समझ में, होप सो आ गई होगी, अगर नहीं आई होगी दोबारा देखो, फिर नहीं आएगी तो कमेंट बॉक्स भाई आपका, तो वहाँ कमेंट करो, ठीक है, ओके, थैंक यू।